हेलो फ्रेंड्स, आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, तो हम सब मिलकर जा रहे हैं खजुराहो। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूरवाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के उभारा गया है। एधासन नदी के ऊपर एक बांध है, जो कि बेहद ही सुंदर है। बरसा कल का पानी को रोक के रखता है। कुछ ही साल पहले इसे बनाया गया। ये बांध बुंदेलखंड की प्रमुख बांधों में से है। इस क्षेत्र के लिए इस बांध की महत्व अप्रसीम। इस बांध को अच्छी तरह से दिखने की कोशिश किया जा रहा है। ई नदी झांसी से खजुराहो जाते वक्त मोरानीपुर शहर के बाद रास्ते में पड़ता है। एधसान नदी के ऊपर बना सबसे महत्वपूर्ण बांध, जो बुंदेलखंड की शान। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाजें, जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह हैं, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है, जो हमारे पास है। सब रोमांच में। यह मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है, जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह, संख्या 25 तक नीचे आ गई है।
एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ, हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। 1. यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राजपंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। माँ के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया जिसने हेमवती को पापमुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। जब ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की है, तब से मंदिरों के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता है। यह खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। शिवसागर के नज़दीक स्थित इन पश्चिम समूह के मंदिरों के दर्शन के साथ अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। एक ऑडियो हेडसेट 50 रुपये में टिकट बूथ से 500 रुपये जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 200 रुपये से 3 रुपये के बीच आधे या पूरे दिन में 4 लोगों के लिए गाइड सेवाएं भी ली जा सकती हैं। खजुराहो को साइकिल के माध्यम से अच्छी तरह देखा जा सकता है। यह साइकिलें 20 रुपये प्रति घंटे की दर से पश्चिम समूह के निकट स्टैंड से प्राप्त की जा सकती है। इस परिसर के विशाल मंदिरों की बहुत ज्यादा सजावट की गई है।
यह सजावट यहाँ के शासकों की संपन्नता और शक्ति को प्रकट करती है। इतिहासकारों का मत है कि इनमें हिंदू देवकुलों के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है। देवकुलों के रूप में या तो शिव या विष्णु को दर्शाया गया है। इस परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु को बैकुंठम के समान बैठा हुआ दिखाया गया है। 4 फुट ऊंची विष्णु की इस मूर्ति में 3 सिर हैं। ये सिर मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में दर्शाए गए हैं। कहा जाता है कि कश्मीर के चंबा क्षेत्र से इसे मंगवाया गया था। इसके तल के बाएं हिस्से में आम लोगों के प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों, कूच करती हुई सेना, घरेलू जीवन तथा मृतकों को दिखाया गया है। मंदिर के प्लेटफार्म की 4 सहायक वेदियां हैं। 954 ईस्वी में बने इस मंदिर का संबंध तांत्रिक संप्रदाय से है। इसका अग्रभाग 2 प्रकार की मूर्तिकलाओं से सजा है, जिसके मध्यखंड में मिथुन या आलिंगन करते हुए दंपत्तियों को दर्शाता है। मंदिर के सामने 2 लघु वेदियां हैं, एक देवी और दूसरा वराह देव को समर्पित है। विशाल वराह की आकृति पीले पत्थर की चट्टान के एकल खंड में बनी है। कंद्रिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। यह एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंद्रिया महादेव मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। मंदिर के संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहां सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और भीतर 246 आकृतियों की गणना की थी। कंद्रिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में जगदम्बा देवी का मंदिर है। जगदम्बा देवी का मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच किया गया था। सैकड़ों वर्षों पश्चात यहां छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, इसी कारण इसे देवी जगदम्बा मंदिर कहते हैं। यहां पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की विशेषता है। यह मंदिर शार्दूलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शार्दूल वह पौराणिक पशु था जिसका शरीर शेर का और सिर तोते, हाथी या वराह का होता था। खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित 4था मंदिर है। इसका निर्माण भी विद्याधर के काल में हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि इसमें एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर स्थापित है। बगीचे के रास्ते में पूर्व की ओर पार्वती मंदिर स्थित है। यह एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को छतरपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1843 से 1847 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसमें पार्वती की आकृति को गोह पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। पार्वती मंदिर के दाईं तरफ विश्वनाथ मंदिर है जो खजुराहो का विशालतम मंदिर है। यह मंदिर शंकर भगवान से संबंधित है। यह मंदिर राजा धंग द्वारा 999 ईस्वी में बनवाया गया था। चिट्ठियां लिखती अप्सराएं, संगीत का कार्यक्रम और एक लिंगम को इस मंदिर में दर्शाया गया है। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वनाम मंदिर का निर्माण काल सन 1002 से 1003 ही है। पश्चिम समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 फीट और चौड़ाई 45 फीट है। पंचायतन शैली का संधार प्रासाद यह शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। शाम को इस परिसर में अमिताभ बच्चन की आवाज में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्यक्रम खजुराहो के इतिहास को जीवंत कर देता है। इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए भारतीय नागरिक से प्रवेश शुल्क ₹50 और विदेशियों से ₹200 का शुल्क लिया जाता है।
सितंबर से फरवरी के बीच अंग्रेजी में यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से 7:50 तक होता है, जबकि हिंदी का कार्यक्रम रात 8 से 9 बजे तक आयोजित किया जाता है। मार्च से अगस्त तक इस कार्यक्रम का समय बदल जाता है। इस अवधि में अंग्रेजी कार्यक्रम शाम 7:30 से 8:20 के बीच होता है। हिंदी भाषा में समय बदलकर 8:40 से 9:30 हो जाता है। पूर्वी समूह के मंदिरों को 2 विषम समूहों में बांटा गया है, जिनकी उपस्थिति आज के गांधी चौक से आरंभ हो जाती है। इस श्रेणी के प्रथम 4 मंदिरों का समूह प्राचीन खजुराहो गांव के नज़दीक है। दूसरे समूह में जैन मंदिर हैं, जो गांव के स्कूल के पीछे स्थित हैं। पुराने गांव के दूसरे छोर पर स्थित घंटाई मंदिर को देखने के साथ यहां के मंदिरों का भ्रमण शुरू किया जा सकता है। नज़दीक ही वामन और जायरी मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं। 1050 से 1075 ईस्वी के बीच वामन मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु के अवतारों में इसकी गणना की जाती है। नज़दीक ही जायरी मंदिर हैं, जिनका निर्माण 1075 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह मंदिर भी विष्णु भगवान को समर्पित है। इन दोनों मंदिरों के नज़दीक ब्रह्मा मंदिर हैं, जिसकी स्थापना 925 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर में 1 4 मुंह वाला लिंगम है। ब्रह्मा मंदिर का संबंध ब्रह्मा से न होकर शिव से है। इथा हमारा खजुराहो ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखा सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे उगली कोई नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।